हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, हमने लास्ट क्लास में रिवीजन लिया था पंक्चुएशंस का। आज की क्लास में हमको एग्जांपल्स लेना है, तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख के इनको हमको सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स है, या फिर ऐसा भी कह सकते कि इसमें हमको पंक्चुएशन ऐड करके रीराइट करना है, मतलब दोबारा से इसको लिखना है। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, और कई कई जगह हमको पंक्चुएशन ऐड करके इसको दोबारा से लिखना है ताकि सेंटेंस करेक्ट बने। ठीक है, तो जैसा भी मैंने बहुत बार कहा है आपको, जब भी आप एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पहले एग्जांपल खुद सॉल्व करने का वीडियो को पॉज कर लेना, एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करना, और उसके बाद जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब चेक कर लेना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो इस बार भी आप लोग वैसा ही करो, पहले एग्जाम्पल आप खुद ही सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो कि एग्जाम्पल का आंसर जो है राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। अब पहला सेंटेंस देखो, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब रमेश एक पर्सन का नाम है जिसका पहला लेटर इसने स्मॉल में लिखा है। वैसे भी सेंटेंस का पहला वर्ड हमको कैपिटल लिखना है, और ये तो एक पर्सन का नाम है, इसको तो हमको कैपिटल लिखना ही है। ठीक है, तो इसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे रमेश। ठीक है, अब देखो इसमें बाकी कुछ भी चेंज करने की नहीं है, तो बाकी का सेंटेंस हम एज इट इज लिखेंगे। रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है, एक ना क्वेश्चन सेंटेंस है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसके पीछे फुल स्टॉप आ गया। अब देखो, यू एंड आई डिड इट। अब इसमें देखो कितनी मिस्टेक्स है। पहला कैपिटल आ चाहिए, सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर है कैपिटल आएगा, उसके बाद ये आई, देखो आई स्मॉल लिखा है। हमने क्या बोला था, आई कहीं पर भी आए सेंटेंस में उसको हमको कैपिटल लिखना है, तो इसको और इसको हमको चेंज करना है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज, और लास्ट में फुल स्टॉप ऑलरेडी यहाँ पर है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यू एंड आई को चेंज करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, यू एंड आई डिड इट, बना सेंटेंस प्रॉपर, ये हो गया करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे पर्सन का नाम है, सेंटेंस का पहला वर्ड है लेकिन स्मॉल लिखा है, इसको कैपिटल करना है। दूसरी बात, बाकी का तो ठीक है। देखो, विल यू हेल्प मी, क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा, तो क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क आएगा। और दूसरी बात, जब हमने कॉमा के जब रूल्स पढ़े थे, तब उसमें हमने एक रूल देखा था कि अगर किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी थिंग को अगर कोई संबोधित करके वाक्य बोला हुआ है, तो पर्सन के नाम के बाद कॉमा देना है। अगर वो नाम पहला आया है तो सेंटेंस के पहले पर्सन के नाम के बाद कॉमा आएगा, लेकिन अगर पर्सन का नाम लास्ट में आ रहा है तो सेंटेंस खत्म होने के बाद और पर्सन के नाम के पहले कॉमा आएगा। इस केस में क्या है, पर्सन का नाम पहले आया है तो इसके नाम के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से चेंज होगा, कैपिटल एस आएगा, पर्सन का नाम है और पहला वर्ड भी है संगीता, यहाँ पे आएगा कॉमा, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नो आई डोंट नो। अब देखो ये भी एक, जब हमने कॉमा में रूल पढ़ा था कि अगर सेंटेंस का जो भी अगर वो वर्बल सेंटेंस है या यस या नो से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद अगर सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है तो नो या यस के बाद हमको कॉमा लगाना है, उसके बाद सेंटेंस को आगे मतलब कंटिन्यू करना है। तो देखो, एन कैपिटल आएगा, सेंटेंस का पहला वर्ड है कैपिटल होगा, दूसरी बात यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और ये आई कैपिटल आएगा, तो ये आंसर होगा नो, यहाँ पे आएगा कॉमा, आई डोंट नो, सिंपल है, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। देखो इस तरह से सेंटेंस को चेंज करना है, सेंटेंस को अच्छे से देखना है, इसमें कौन सी मिस्टेक है या फिर इसमें क्या क्या मिसिंग है, जो जो मिसिंग है और जो जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके और जो मिसिंग है उसको लिख कर सेंटेंस को दोबारा से करेक्ट करना है। ठीक है, अभी आगे सेंटेंस देखो, वॉट कैन आई डू फॉर यू सर। डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस जो है डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरी मिस्टेक क्या है, डब्ल्यू, वॉट का डब्ल्यू मतलब सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लिखा है, इसको भी कैपिटल करना है और उसके बाद आई को भी कैपिटल करना है, तो ये चेंज कैसे होगा, वॉट कैन आई डू फॉर, हाँ अब देखो ये आ रहेगा, इसको कैपिटल करना है, वॉट कैन आई डू फॉर यू सर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, वॉट कैन आई डू फॉर यू सर, हो गया सेंटेंस। अब देखो इस वाले में, विल यू लेंड मी योर बाइसिकल फ्रॉम, इसमें क्या क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, दूसरी बात
विल यू, विल से स्टार्ट हुआ, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब से भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमने जब इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस देखे थे तब उसमें देखा था ऑक्सिलरी वर्ब से भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया उसके बाद सब्जेक्ट आया है। तो देखो विल, तो ये इसका जो डब्ल्यू है वो कैपिटल आएगा, और सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटेंस पहले आया है पर्सन का नाम, मतलब इस पर्सन के, इसके रिगार्डिंग में सेंटेंस बोला है, तो पर्सन के नाम के पहले और सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा। इसका नाम भी देखो, इसका नाम का जो पहला लेटर है पर्सन का नाम है कैपिटल बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या क्या चेंज करना है, सबसे पहले डब्ल्यू को कैपिटल करना है, ठीक है, उसके बाद पर्सन का नाम आया है तो उसके पहले यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे ये जो नाम है इसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्या चेंजेस, कितनी चेंजेस है, 1, 2, 3 और लास्ट में हमको देना है क्वेश्चन मार्क, मतलब फोर चेंजेस करने एक ही सेंटेंस में। तो देखो सबसे पहले डब्ल्यू, विल यू लेंड मी योर बाइसिकल, अब देखो पर्सन के नाम के पहले कॉमा, आर कैपिटल, राम और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हो गया चेंज सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट वाला, यस आई एम रेडी, ठीक है सिंपल है, वाई, वाई को कैपिटल करेंगे, सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर है, आई को कैपिटल करेंगे, सिंपल सेंटेंस ना, क्वेश्चन पूछा है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो लास्ट में सिंपली फुल स्टॉप आएगा। तो देखो इसको चेंज करके, यस आई, यस आई एम रेडी, हो गया सेंटेंस चेंज, सिंपल था। अब नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सेड ही इज द बेस्ट टीम, ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया सेड मतलब किसी ने बोला हुआ सेंटेंस है, ठीक है, अगर किसी ने बोला हुआ सेंटेंस है तो उसका बोला हुआ जो भी सेंटेंस है उसको हम कोटेशन मार्क, मतलब जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे हम देते थे, जैसे ये हुआ सिंगल या डबल के इसमें हम लोग ये सेंटेंस को डालते थे अगर वो सेंटेंस किसी का बोला हुआ है तो। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया या एक तो ये प्लेस का भी नाम है, ऊपर से सेंटेंस का पहला वर्ड है फिर भी इसको स्मॉल लिखा है तो इसको कैपिटल लिखना है, यहाँ पे इसको ये जो पूरा सेंटेंस है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है, तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया सेड, यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस आएगा, ही इज द बेस्ट टीम, यहाँ पे कोटेशन मार्क का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस सिंपल था, ए जो था स्मॉल था उसको कैपिटल करें और ये किसी का बोला हुआ सेंटेंस है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देके लास्ट में फुल स्टॉप बन गया सेंटेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सेंटेंसेस चेंज किए हैं, अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देख लो इस तरह से सेंटेंस को चेक करना, सेंटेंस पहले पढ़ो कि सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या मिसिंग है, दो बातें, पहली बात तो एक तो मिस्टेक हो गई, दूसरी बात तो उसमें मिसिंग हुआ, जैसे ये सेंटेंस था इसमें मिसिंग था कि पहला लेटर जो था वो कैपिटल लिखना था, जैसे ये केस में कैपिटल लिखना था और जैसे ये केस में कॉमा मिसिंग था, क्वेश्चन मार्क मिसिंग था, यहाँ पे भी कॉमा मिसिंग था और कहाँ कहाँ कॉमा मिसिंग है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, कॉमा मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है और कई कई मिस्टेक्स है, जैसे कि सभी सेंटेंस में जो इन्होंने क्या किया, पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही लिखा है, लेकिन हमारा पहला ही जो पढ़ा था, हमने सबसे पहला रूल यही पढ़ा था कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से और एंड जो होगा फुल स्टॉप से होगा, अगर क्वेश्चन सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें वो साइन लगेगा, ठीक है सिंपल था। अब देखो इधर वाले, दे आस्क इजंट इट ट्रू, आस्क मतलब फिर से किसी का बोला हुआ सेंटेंस है तो ये बाकी का जो सेंटेंस है वो आएगा कोटेशन मार्क के अंदर, और जो पर्सन का मतलब जिसने जो भी पर्सन ने बोला है, जो स्पीकर है और जो हमारा जो वर्ब है उसको हमको कोटेशन मार्क के बाहर लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे भी पर्सन मतलब जो भी पर्सन ने बोला है वो पर्सन बोले या जो भी है उसको, और ये जो वर्ब है इसको हमने बाहर लिखा है, बाकी का जो सेंटेंस है उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, यहाँ पे भी सेम पहला लेटर हो जाएगा कैपिटल, यहाँ पे आएगा कोटेशन मार्क, इजंट इट ट्रू, ठीक है, तो ये भी ये देखो इजंट इट ट्रू मतलब ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है इजंट इट ट्रू,
तो ये होगा दे आस, यहाँ पे आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इजंट इट ट्रू, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। देखो सिंपल था, टी कैपिटल कर दिए, किसी का बोला हुआ सेंटेंस है तो कोटेशन मार्क के अंदर आया और पूछा है इसने कुछ, इजंट इट ट्रू, क्या ये सही है, पूछा हुआ है मतलब क्वेश्चन है, तो लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, सिंपल था। अब ये देखो आई, देखो आई डी डू इट, अब देखो इसका मीनिंग बन रहा है नहीं, इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले आई जो है आई आएगा कैपिटल में, अब ये किस तरह का वर्ड है, ये वर्ड आता है, इसको हमने पढ़ा था एपोस्ट्रोफी में, एपोस्ट्रोफी में अगर हम इसको चेंज करेंगे, जैसे आई और डी है, अगर हम इसको एपोस्ट्रोफी लगा के चेंज करें, सबसे पहले हम आई को कैपिटल करेंगे और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ये शायद हैड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डी का मतलब तो हैड होगा, शुड होगा या वुड होगा, ये इसको सिंपली इस तरह से लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे आई डू इट, लास्ट में फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस चेंज। अब इसको देखो, दे सेड हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरी बात, इसका पहला लेटर भी स्मॉल लिखा है, इसको भी कैपिटल करना है, और सेड मतलब किसी का बोला हुआ सेंटेंस है, तो ये चेंज होके ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो आएगा कोटेशन मार्क के अंदर, तो ये हो जाएगा दे सेड, यहाँ पे आएगा कोटेशन मार्क, और ये हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस कंप्लीट हो गई। तो ये सारे एग्जांपल थे, सिंपल सिंपल थे, कहीं कहीं हमको जैसे कहीं कहीं ये सभी सेंटेंस में ना पहला लेटर स्मॉल ही लिखा है, तो सबका सबसे पहला काम है कि लेटर पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना। दूसरी बात, और कोई चेंजेस है जैसे आई का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई कॉमा मिसिंग है, जो भी मिसिंग है, जो भी जो है, और अगर सेंटेंस किसी का बोला हुआ है तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर देना, और लास्ट में सेंटेंस क्या है सिंपल होगा, मतलब असर्टिव है या फिर इंपरेटिव है तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद के, तो देखो अभी हमने जितने सेंटेंसेस स्टार्ट मतलब किए थे, सॉल्व किए थे, वो थोड़े छोटे छोटे भी थे और आसान भी थे, ये सेंटेंसेस थोड़े बड़े हैं और इसमें देख लो कि चेंजेस क्या क्या करना है, पहले खुद सॉल्व कर लो उसके बाद चेक कर लेना आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब देखो पहला सेंटेंस है, मैन इज नॉट वीक, ही बिकम्स सो व्हेन ही बिकम्स सिक्स, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या क्या चेंज करना है, सबसे पहले वो देखो, सबसे पहली बात कैपिटल एम करना पड़ेगा, हो गया। दूसरा, मैन इज नॉट वीक ही बिकम सो, तो यहाँ पे कंजंक्शन लगा है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस, मैन इज नॉट वीक ही बिकम्स, अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को दोनों भी सेंटेंसेस को कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया है, और हमने एक रूल में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेमी कॉलम में, अगर कंजंक्शन है, कंजंक्शन की नीड है फिर भी उसको ओमिट किया, अगर ओमिट किया जाए तो उस कंजंक्शन की जगह हम सेमी कॉलम का सिंबल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे सेमी कॉलम का सिंबल है ना, लास्ट में तो यहाँ पे ऑलरेडी फुल स्टॉप दिया है, तो हम लोग भी लास्ट में इसमें फुल स्टॉप दे देंगे। तो सेंटेंस को अगर रीराइट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से, मैन इज नॉट वीक ही बिकम्स, देखो कंजंक्शन है, कंजंक्शन की जगह सेमी कॉलम का सिंबल आएगा, यहाँ पे सेमी कॉलम का सिंबल आया, उसके बाद बाकी का सेंटेंस व्हेन ही बिकम्स सिक, लास्ट में फुल स्टॉप, हो गया चेंज सेंटेंस। और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इसमें, नहीं है, बस इतना ही चेंज करना था, पहला लेटर हो गया, उसके बाद कंजंक्शन की जगह सेमी कॉलम का सिंबल लगाना था और बाकी का सेंटेंस एज इट इज, इसके अलावा इसमें और कुछ चेंज नहीं करना। अब नीचे देखो, शी आस्क्ड डोंट यू नो दिस, सबसे पहली बात यस, यस को कैपिटल करेंगे,
अब ये पर्सन का नाम है और ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसको अब ये जो सेंटेंस है वो मतलब किसका बोला हुआ सेंटेंस है, बोला हुआ सेंटेंस है तो यहाँ पे ये जो पर्सन का नाम है और ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये किसके अंदर, ये बाकी का सब कोटेशन मार्क के अंदर आएगा और ये सब कुछ जो है कोटेशन मार्क के बाहर आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चेंज ये करेंगे कैपिटल लेटर और उसके बाद से यहाँ से चेंज करेंगे कि ये जो है बाकी का सेंटेंस है ये आएगा किसके अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर। और डोंट यू नो दिस, डोंट यू नो दिस मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पूछा हुआ है सेंटेंस में तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितने चेंजेस है, सबसे पहले एस को कैपिटल करना है, दूसरी बात जो बोला हुआ सेंटेंस है उसको कोटेशन मार्क के अंदर डालना है और ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले शी आस्क्ड, शी आस्क्ड यहाँ पे आएगा कोटेशन मार्क, डोंट यू नो दिस कोटेशन मार्क का सिंबल कंप्लीट और लास्ट यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हो गया सेंटेंस चेंज, अब देखो इसके बाद वाला सेंटेंस को आप लोग चेक कर लेना आंसर को करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो वी हैड बीन टू अकोला थाने नासिक एंड मुंबई, सबसे पहली बार W कैपिटल करेंगे, दूसरी बार ये जो सब है ये प्लेस के नाम है और इनके सबके पहले लेटर को देखो सबका पहला लेटर स्मॉल लिखा है लेकिन ये प्लेस का नाम है, एक प्रॉपर नाम मतलब एक नाउन है तो नाउन का जो पहला लेटर है ये आएगा कैपिटल, प्रॉपर नाउन है इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। दूसरी बात ये एक लिस्ट दी है अकोला थाने नाशिक एंड मुंबई, लिस्ट है, लिस्ट के बीच में कॉमा देना है। चेंजेस कितने चेंजेस करना है, तीन चेंजेस करना है, पहले W को कैपिटल करना है, दूसरी बात इनके सबके पहले लेटर को कैपिटल करना है और तीसरी बात यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि हमको ऐड के पहले और ऐड के बाद में कॉमा देना नहीं है। तो ये चेंज किस तरह से होगा, चेंज होगा वी हैड बीन टू ए कैपिटल अकोला कॉमा टी कैपिटल थाने कॉमा एंड कैपिटल नासिक, अब यहाँ पे एंड है, एंड आगे तो कॉमा की जरूरत नहीं है और लास्ट में आएगा मुंबई का एंड कैपिटल मुंबई, हो गया सेंटेंस खत्म और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। कितनी चेंजेस थी, सिर्फ थ्री चेंजेस, सबसे पहले W, W को कैपिटल करना था, पहले सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर है कैपिटल हो गया, उसके बाद ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करना था वो किया, और तीसरी बात ये एक लिस्ट दी है तो इसके बीच में कॉमा का आना कंपल्सरी, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, सेंटेंस हो गया चेंज। अभी यहाँ पे देखो शंकर रिप्लाई यस इट इज ट्रू, पर्सन का बोला हुआ सेंटेंस है, पर्सन का नाम और रिपोर्टेड वर्ब कोटेशन मार्क के बाहर आएगा, बोला हुआ सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जो वर्बल वर्ड है मतलब वर्बल वर्ब आया है यहाँ पे देखो यस, यस और नो आया है सामने, अगर सेंटेंस कंटिन्यू किया है तो यस और नो जो भी है उसके बाद कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे थ्री चेंजेस, सबसे पहले पर्सन का नाम, उसके बाद यहाँ से आएगा कोटेशन मार्क, यहाँ पे आएगा कॉमा, इट इज ट्रू, सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछा ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस चेंज होगा शंकर रिप्लाइड, रिपोर्टेड वर्ब और सब्जेक्ट मतलब पर्सन का नाम और रिपोर्टेड वर्ब दोनों भी बाहर, यहाँ पे कोटेशन मार्क यस, यहाँ पे आएगा कॉमा, इट इज ट्रू फुल स्टॉप और कोटेशन मार्क क्लोज, हो गया सेंटेंस चेंज। अब इस सेंटेंस को देखो, जून जुलाई अगस्त आर द मंथ्स ऑफ रेनी सीजन, सेंटेंस को दोबारा से इसी सेंटेंस की जैसा है, मैंने बोला था अगर वीक्स के नाम है अगर ईयर के मंथ्स है उनको भी कैपिटल करना है और उसमें तो पहला सेंटेंस का पहला मतलब सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर भी स्मॉल ही लिखा है और ऊपर से ये तो मंथ्स के नाम है नाउन है तो ये भी कैपिटल बनेंगे और एक लिस्ट दी है मंथ्स की तो इसके बीच में कॉमा आएगा। क्या क्या चेंजेस हो गए, सबसे पहले
इनको सबको कैपिटल करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कॉमा आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप, बस इतना ही चेंज करना है। तो ये हो जाएगा जून कॉमा जुलाई कॉमा अगस्त आर द मंथ ऑफ रेनी सीजन और लास्ट में फुल स्टॉप, बस इतना ही चेंज करना था सेंटेंस में। क्या क्या, सबसे पहले जो प्रॉपर नाम से, मतलब ये जो मंथ्स के नाम है इनके पहले लेटर कैपिटल हो गए। दूसरी बात, एक लिस्ट है तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। अगर लिस्ट और आगे बढ़ती तो हम लोग कॉमा पे और आगे बढ़ाते, लेकिन लिस्ट आगे बढ़ी भी नहीं और ना ही यहाँ पे एंड आया है तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो बस हमने यहाँ पे जितना था उसके बीच में कॉमा लगा दिया और लास्ट में सेंटेंस को एंड करके फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से देखो सेंटेंस को। पहले सबसे पहली बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सन का नाम है, इनके सबके जो पहले लेटर है उनको देखो, सबके पहले लेटर स्मॉल है, सबसे पहला काम रहेगा इनको कैपिटल करना, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का पी और एम इसको भी हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब देखो ये किस तरह का सेंटेंस है, कॉमा में हमने पढ़ा था। अगर हमको सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है, ऐसा सेंटेंस है अगर जिसने सब्जेक्ट हमें रिपीट नहीं किया है तो हम लोग बीच में एक बार कॉमा लगाते थे। सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है लेकिन सेंटेंस में एक बार कॉमा आएगा। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हम लोग यहाँ पे फिर से लिखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस तरह से सेंटेंस बनता तो यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे कॉमा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप तो दिया ही है। तो सेंटेंस चेंज कैसे होगा, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू पी जे और एन तीनों को कैपिटल करेंगे तो ये हो जाएगा पंडित, जे कैपिटल होगा, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल और एन कैपिटल होगा नेहरू, ठीक है। द फर्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का पी और एम दोनों कैपिटल करना है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और यहां पे बोला था कॉमा देने के लिए, कॉमा रोड द डिस्कवरी ऑफ, हाँ और एक बात मिसिंग हो गई, यहाँ पे देखो आई इंडिया का आई, इंडिया कंट्री का नाम है, ऑब्वियसली उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे इंडिया और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस किए, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सन का नाम है, इनके सबके पहले वर्ड मतलब पहले लेटर को कैपिटल करें, हो गया। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के भी पहले पहले वर्ड को कैपिटल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्पीकर मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसकी रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, ठीक है। और उसके बाद रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया कंट्री का नाम है तो ये आई जो है वो कैपिटल बन गया। तो देखो हमने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल लिए, अगर आपका राइट है तो अच्छा है, रॉन्ग भी है तो भी यहाँ से देख के करेक्ट कर लेना। अब दूसरी बात, अब हमारे नेक्स्ट क्लास से हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आर्टिकल जो स्टूडेंट्स को अच्छे से आते हैं तो उनके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिनको नहीं आते उनके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ लेना थोड़ा सा एक बार, आप लोग देख लेना कि आपको कितना पता है। हम लोग और आगे के बहुत सारे रूल्स उसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू।